नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, थाना इटौंजा पुलिस टीम को मिली बड़ी सफलता। 12 वर्षीय युवक की हत्या करने वाले आरोपी को थाना इटौंजा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी तहसील बख्शी का तालाब थाना इटौंजा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत जलालपुर के मजरा बसेना गांव के रहने वाले गुजरू ने अपने चचेरे भाई को मोबाइल के लिए आदित्य को उतारा मौत के घाट। एसपी ग्रामीण आदेशानुसार थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। हत्या करने वाले युवक को थाना इटौंजा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार, भेजा सलाखों के पीछे। एसपी ग्रामीण हरदेश कुमार, क्षेत्राधिकारी बीकेटी हरदेश कठेरिया, थाना इटौंजा प्रभारी अतिरिक्त प्रभात शुक्ला, कांस्टेबल दिनेश कुमार यादव, थाना इटौंजा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। इटौंजा के बीबीपुर टडिंचा नहर पुलिया के नीचे शुक्रवार को गुमशुदा आदित्य कुमार का शव पाया गया। पुलिस के पिता राम दुलारी की शिकायत पर चचेरे भाई गुजनू को गिरफ्तार किया है, जिसने स्वीकार किया कि उसने हत्या पैर से गला दबाकर की है। ग्राम पंचायत जलालपुर के मजरा बसेना गांव से 22 सितंबर की रात 8 बजे 13 वर्षीय आदित्य कुमार लापता हो गया। पिता राम दुलारी ने इटौंजा थाने पर गुमशुदगी लिखाई थी। इटौंजा पुलिस उसकी तलाश कर रही थी कि शुक्रवार को उसका शव बीवीपुर पंचायत के मजरा टडिंचा कपूरवा के नजदीक नहर पुलिया में पाया गया। पुलिस की सूचना पर परिजनों ने इसकी शिनाख्त करने की कहा गया तो कोहराम मच गया। इटौंजा पुलिस ने शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता राम दुलारे सहित परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस के आरोप लग के आधार पर मृतक के चचेरे भाई गुजनू उर्फ संगीत को गिरफ्तार किया है। एसपी ग्रामीण हृदेश कुमार हृदय ने बताया कि दोनों के बीच मोबाइल मांगने पर विवाद हुआ था। गुजनू के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है। बसीना के रहने वाले हैं। बसीना थाना इटौंजा में सरना के पास में गांव है, वहां से आदित्य नाम का एक लड़का परसों यानी कि 22 सितंबर की शाम के समय अपने घर से गायब हो गया था। घर वालों को लगा कि वो कहाँ चला गया है। अपने स्तर पे उन्होंने तलाश किया। जब अपने स्तर पे तलाश करने पे उसकी जानकारी नहीं हुई तो बीती रात्रि में उन्होंने थाने इटौंजा पर आकर सूचना दी और यह बताया कि वह अपने चचेरे भाई के साथ गया था। हमें शक है कि उसी ने उसके साथ कोई घटना कर दी। तो जो नियम के अनुसार है, एक नाबालिग बच्चे को यदि कहीं किडनैपिंग होती है या कहीं गायब होता है तो उसमें अपहरण का मुकदमा लिखा जाता है। फिर इसमें तो क्योंकि उसके साथ गया था लड़के के साथ, तो उसके वास्तवा करते हुए उसे मुकदमा लिखा गया। जब इस प्रकरण में आगे गहराई से छानबीन की गई तो पता चला कि नहर में आज एक शव मिला है। पुलिस भी अपने स्तर पर तलाश कर रही थी, ग्रामीणों को बताया था। फिर इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और इसकी निशानदेही पे उस लड़के का मोबाइल बरामद किया गया जिसकी इसने हत्या किया थी। घटना को मोबाइल के पीछे अंजाम दिया जाना इसके द्वारा बताया गया है कि हमने उससे मोबाइल मांगा, उसने नहीं दिया और हमें पलट के गाली दे दी, तो इसलिए हमने ये घटना कर दी। लेकिन इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। यदि कोई और भी एंगल इसमें प्रकाश में आया तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। घटना किस तरह से अंजाम दिया गया? घटना गला दबा कर, इसने बताया कि मैंने गला दबा के उसको ज़्यादा जोर से, तब क्या इसका कहना है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। आदमी जानता है कि कितने जोर से क्या होता है। और फिर उसके बाद उसने उसको नहर में धक्का दे दिया। इसका आशय साफ था कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मारने का इसका पक्का इरादा था और इसने उस बच्चे की हत्या की।